सो वेलकम टू माय व्लॉग टू। अभी मैं दिल्ली से निकल गया हूँ डिब्रूगढ़ के लिए। उसके बाद ट्रेन में जाने के बाद अपना सामान मिला, बैठा, थोड़ा चिल किया, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट किया। सो हियर वी गो। बाहर का नज़ारा देखने लायक था, काफ़ी चिल्ड और मस्त। तो शुरू करते हैं मेरे साथ। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल नजदीक क्लासिक, एंड दिस इज माई सेकेंड पार्ट ऑफ माई सीरीज गोइंग होम आफ्टर लॉकडाउन। एंड अर्जुन के साथ मिलने के बाद, परमेश्वर घर जाने के बाद दिल्ली से छूट गए हम दोनों। सो मैं काफ़ी हद थक गया था, एंड ट्रेन में मैं तो सोऊंगा, बट फॉर्चुनेटली मुझे प्लग, मुझे चार्जिंग पॉइंट मिल गए, मुझे मैंने अपने गियर एक्सेस वगैरह सब चार्जिंग कर दिए। एंड अभी जहाँ पे मैं हूँ, आई थिंक कानपुर है ये, वेज थाली ऑर्डर किया था मैंने रेल यात्रा से, एंड वो खाना मेरा कैंसिल हो गया। रेलवे एम्प्लॉयज हर स्टेशन में आपको मिलेंगे, जो आपके टॉयलेट और आपके कोचेस को सैनिटाइज करेंगे। ओके, वाओ, यू कैन सी दिस, एक जूम करता हूँ हल्का सा आपके, वाओ, इट्स अमेजिंग ब्रो। मुझे लगता है कि यार आज मुझे खाना सही से मिलेगा, क्योंकि कभी लेट हो चुका है, एंड पेंट्री घर वाले भी शायद सो गए होंगे। बता रहा था कि अभी जो ऑर्डर किया था कैंसिल हो गया ऑनलाइन, बट यार पेंट्री का रहते हैं उनसे मिल गया। आई गॉट दिस 17 जून को पैक, 16 दिसंबर को ये। गाइस, आई गॉट दिस स्पून, है हाथ धो के आते हैं, चेक करता हूँ इसको, आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ ऐसा ही कुछ ऐसा दिख रहा है, कभी हार्ड है यार। एक बात इंडिया की है, इंडिया इज अमेजिंग, इट इज really amazing guys. मैं तो जा रहा हूँ सोने, सैनिटाइजर हमेशा अपने पास तो रखें, तो ये वाला व्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगा कल सुबह। तब तक ईयरफोन डाल लीजिए आप और एंजॉय कीजिए म्यूजिक। गुड नाइट। सोने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है यार। गुड मॉर्निंग सभी को, आई शो यू समथिंग, काफी अच्छा मौसम है यार बाहर। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग विद मी नवजीत क्लासिक। अच्छा, अपना डे स्टार्ट मैं वाटर से करता हूँ। इट्स रियली गुड, जो आपके अंदर टॉक्सिक एसिड जो डेवलप होते हैं उसको बैलेंस करता वाटर। अब देख रहे हो ये यही सिस्टम है यहाँ का। सो यहाँ पे हर जगह के एमसीपी यहाँ पे है। तो मैं फ्रेश हो चुका हूँ, एंड ट्रेन अभी किसी स्टेशन पे अभी रुका हुआ है। यू कैन सी मौसम ठीक ठाक ही है बाहर। क्या है कैसा स्टेशन, स्टेशन काफी साफ सुथरा है, जैसे उतरा हॉर्न बज चुका है, एंड आई थिंक ट्रेन विल स्टार्ट नाउ। तो आपको ये सर्कल सुनेंगे जहाँ, तो बेसिकली मुझे पता लग गया ये बरौनी जंक्शन है। आज चलते हैं, लेट्स सी Go outside. I think मुझे लग रहा है कि टाइम हो गया है ट्रेन डिपार्चर के यहाँ से, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे ये वाला ट्रेन था जिसके लिए हम रुके हुए थे अब तक। जो हमारा इंडियन रेलवेज है, दे आर रियली अमेजिंग, जिसकी जो बनावट है, मैनुफेक्चरिंग है, दे आर टोटली अमेजिंग गाइस। पहुँचता हूँ
खाने पीने का कुछ होगा, तब तक के लिए खुशी है आपके लिए हल्का सा छोटा सा रेलवे शॉट मेरी तरफ से, कीप योर ईयरफोन्स ऑन योर ईयर्स। आस पास तो कोई शॉप है, आगे तो शॉप है, वहाँ पे देख भी जाके आकाश चलिए बैग ही जाना पड़ेगा क्योंकि आप पीछे तो है नहीं कुछ भैया। केक है क्या? फ्रूट वाला देना भैया, ये कैमरा है भैया, यहाँ पे एक फ्रूट केक देना सर। तो मुझे मैंने कुछ खाने का सामान यहाँ से मिल लिया, एनजीओ से ले लिया, मैं बोतल पानी का इतना ही मेरे पास अभी। सो लेट्स आगे देखते हैं, इफ आई गेट समथिंग आसाम चेक आउट करते हैं, सुंदर चलते हैं व्लॉगिंग करना मजा। ये भूल गया था मेरा फोन, मिल गया ये, यू कैन सी द ट्रेन इज मूविंग, यू कैन सी दिस। आप देखिए स्टेशन एकदम खाली है यार, आपको मेरे तरफ से बाय बाय। पानी नहीं था तो नहीं आप जी कोई नहीं, मैं ब्लॉक कर रहा था तो मेरे पास पानी नहीं था तो मैंने उनको अपना थर्मस दे दिया। Here we go, 3, 2, 1. Recently this is the first station of Assam, first station of Kokrajhar when you enter Assam. तो आप किसी भी स्टेशन पे जाते हो, फिर उससे अब बाहर जाते हो, कहीं भी ट्रैवल करके आ रहे हो, तो पहले आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और आपका एड्रेस और फोन नंबर नोट करके आपको वहाँ से भेजा जाएगा। एक्शन कैमरा से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर मुझे एकदम एक्यूरेटली दिख रहा है कि देयर इज अ माउंटेन, नॉट माउंटेन। गुवाहाटी स्टेशन पहुंचने के बाद जब मैं बाहर निकला प्लेटफॉर्म पे तो मुझे कोई भी दुकान नहीं मिला क्योंकि उस दिन था लॉकडाउन और मेरी तो पूरी तरह से फट चुकी थी। तो नहीं है, बेसिकली आप ट्रैवल करते हो फॉर 3 डेज और 4 डेज, ऑब्वियसली आप फूड कैरी कर लो क्योंकि अगर फूड कैरी नहीं करोगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल फेस। गुवाहाटी मुझे मिल जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मिला नहीं, बट फाइनली मेरे पास कुछ आई हैव समथिंग। ये एक्सपीरियंस से मैं कुछ सीखूंगा। यहाँ पे गुड्डू रॉक मचा रहा है घर पे और मेरे साथ इस ब्लॉग में गुड्डू भी शामिल आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, मैं काफी बात करता हूँ। तो बेसिकली आई एम जस्ट आई थिंक आई एम बिटवीन समथिंग ऑफ तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़, सो दिस इज गोइंग टू डिब्रूगढ़, द लास्ट स्टॉपेज ऑफ दिस डिब्रूगढ़ राजधानी। देयर इज स्पेशल कोविड ट्रेन दैट इज रन फ्रॉम दिल्ली मूव अप टू डिब्रूगढ़ स्टेशन। So finally I got enter into my hometown Tinsukia and it looks really beautiful at the morning time. Amazing. Kya scene hai, wow, it's cool, it's really cool shit.
अपना सामान जल्द से मिला लेता हूँ। आगे चल के देखते हैं कैसा होता है, तब तक के लिए मैं थोड़ा अपना सामान उतार लेता हूँ। डिब्रूगढ़ स्टेशन पहुंचने के बाद मैं सामान लेके प्लेटफॉर्म पे बैठा रहा और कुछ ही टाइम में अंकुर आ गया गाइड लेके। पर मुझे थोड़े टाइम के बाद ये पता चला कि वहाँ से पर्सनल गाड़ी के साथ आप घर नहीं जा सकते। जितने भी ऑटो डिब्रूगढ़ के पैसेंजर थे उनको असम गवर्नमेंट खुद बस में बैठा के तिनसुकिया लेके गए फॉर कोविड सैंपल कलेक्शन टेस्ट। आगे की कहानी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।